Contrary to can, may shows weaker possibility than can, but stronger possibility than might. Can possibility show करता है 99%, but may possibility show करता है यानी 50-50%. Okay, I can lift this box. Can is showing the capability, possibility, 99% possibility और capability कि वो काम मैं कर सकता हूँ, यानी वो काम मेरे अंदर मेरे हाथ पे है, उसे मैं कैसे भी कर सकता हूँ, ठीक है. लेकिन जब हम यूज़ करते हैं मे, मीन्स द ट्रेन मे बी लेट टुडे, इट मे रेन टुडे, तो यहाँ पर जो भी एक्शंस हैं वो कॉन्फर्मेशन शो नहीं कर रहे हैं, वो 50-50% पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं. इन द सेम वे माइट शोज द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एक्शन वेरी लेस, वी कैन से लीस्ट पॉसिबिलिटी. यानी कैन 99% पॉसिबिलिटी शो करता है, मे 50-50% हम कह सकते हैं, और माइट बहुत ही लीस्ट पॉसिबिलिटी शो करता है. ठीक है, आप इस बात को एक छोटे से एग्जांपल से आप समझ सकते हैं मे और माइट में क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है. मे लाइक आई कैन सी ह्यूज क्लाउड्स, ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे. आई सी सम क्लाउड्स ओवर देयर इन द स्काई, इट माइट रेन टुडे. ओके, यानी बादल जो है आकाश में, हम घने गहरे बादल देख रहे हैं आकाश में, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है 50-50% पॉसिबिलिटी है, या 40-60% पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो जाए. लेकिन बादल जो है आकाश में हल्के से दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत ही लीस्ट पॉसिबिलिटी है बारिश होने की. ठीक है, तो ये बेसिक एक डिफरेंस है मे और माइट के बीच में. सेकेंड, माइट ऑल्सो शोज द पास्ट पॉसिबिलिटीज और कैपेबिलिटीज. ओके, सो देयर आर सम मोर रूल्स ऑफ मे एंड माइट. लेट अस सी एंड डिस्कस वन बाय वन ऑल द रूल्स ऑफ मे एंड माइट एंड द अदर डिफरेंसेस बिटवीन मे एंड माइट. सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वर्ड्स ऑफ विजडम. सो आई एम स्टार्टिंग विद द यूजेस ऑफ मे. द फर्स्ट यूज ऑफ मे, formal request, for making a formal request. As we know that whenever we have to make a request to authorities, to our teachers or any elderly member of our society or any stranger, we use may. May I come in? May I use your pen please? Suppose you are asking the permission for taking anything from any stranger. In such condition, we will use may. May I use your pen, please? Okay. May I come in? May I use your pen, please? May I join your group? Okay. So, in this way, for making formal request, we use may. Then, next one, expected possibility. जब काम जो है उसके कोई भी जो एक्शन है उसके होने की 50-50% संभावना होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम मे का यूज़ करते हैं. द वेदर इज नॉट फाइन, द ट्रेन मे बी लेट टुडे, इट मे रेन टुडे. ओके, सो एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटी, काम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्शन, किसी भी एक्शन के होने की जो संभावना है जब बहुत ही कम होती है. ठीक है, बहुत कम से कहने का सेंस है जब किसी भी एक्शन के होने की जो संभावना है वो वीकर हो. ठीक है, वीकर हो इन कंपैरिजन ऑफ कैन. जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि मे शोज द वीकर पॉसिबिलिटी देन कैन. ओके, इट मे रेन टुडे. आई कैन सी डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, it may rain today. Urvashi has returned from Mumbai, she may also join our party today.
ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्शन 50-50% जब चांसेस हो। नेक्स्ट वन फॉर मेकिंग ब्लैसिंग्स और कर्स। ब्लैसिंग्स और कर्स के सेंस में भी हम मे का यूज़ करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड गिफ्ट यू विद अ डॉटर, मे गॉड बेस्टो यू विद अ ह्यूज सक्सेस, मे यू मीट विद डेविल्स। कर्स के लिए भी हम मे का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये फोर यूजेस हैं मे के। देन कम्स माइट। एज आई मैंशन यू अर्लियर दैट माइट शोज द लीस्ट पॉसिबिलिटी। सो द फर्स्ट यूज ऑफ माइट, माइट शोज द स्लाइटेस्ट और लीस्ट पॉसिबिलिटी। ही वॉज नॉट विलिंग टू अटेंड द पार्टी, स्टिल वी मस्ट वेट फॉर हिम, ही माइट बी ऑन द वे। शी माइट रिटर्न सून इफ द सिचुएशंस आर अंडर कंट्रोल। तो जब लीस्ट पॉसिबिलिटी की बात होती है, स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी की बात होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं, माइट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, एज वी नो माइट इज़ ऑल्सो द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। सो इफ यू आर यू हैविंग मे इन स्पीच, If reporting verb is in past tense, then that may will be changed into might. He informed me that he might be late today, so we must not wait for him. She told me that she might return by time, but she hasn't. Okay, तो इस तरह से जब भी हम reported speech में may का use करते हैं, तो उस मे को हम माइट में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट वन, माइट ऑल्सो शोज द पोलाइट रिक्वेस्ट। मीन्स फॉर मेकिंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट वी यूज माइट, सेम एज फॉर मेकिंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट वी यूज कुड। लास्ट सेशन में जहाँ पर मैंने आपको कैन और कुड के यूजेस बताए थे, वहाँ पर ये बिल्कुल क्लियरली बताया था कि कुड का यूज़ जब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट में करना है तो किस तरह से करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उस सेशन को देख सकते हैं, और क्लियरली आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि पोलाइट रिक्वेस्ट को किस तरीके से हम कुड में चेंज करेंगे। मीन्स जब भी हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो उस समय हम किस तरह से कुड का यूज़ करते हैं, और वही यूज़ माइट में भी होता है। ठीक है, माइट आई यूज़ योर पैन प्लीज़, माइट आई गो विद यू, माइट आई जॉइन यू। ओके, तो इन दिस वे वी कैन से फॉर मेकिंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट वी यूज माइट। देन द नेक्स्ट वन, सो दैट। यस, इफ यू आर हैविंग कंजक्शन सो दैट इन योर सेंटेंस, इन द नेक्स्ट क्लॉज ऑफ दैट सेंटेंस वी विल यूज माइट। आई वर्क हार्ड सो दैट आई माइट सिक्योर द हाइएस्ट परसेंटेज। ओके, यानी कि अगर हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, दो क्लॉजेस हैं सॉरी, और वो दोनों यदि सो दैट से कनेक्ट होते हैं, तो दूसरा जो क्लॉज होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट के साथ जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमारी हमेशा माइट होगी। ओके, सो वी विल यूज़ माइट विथ सो दैट। वॉक स्लोली सो दैट यू माइट नॉट फॉल। She is improving her handwriting so that she might secure good percentage in her examinations. Okay, next one, for showing past possibilities. It's good that you have arrived by time. It might rain today. सपोज मॉर्निंग में आपने वेदर देखा था और आपको ऐसा महसूस हुआ था कि बारिश होने वाली है, ठीक है, बारिश हो सकती है, लेकिन अब शाम हो चुकी है लेकिन बारिश नहीं हुई, ठीक है, और कोई पर्सन आपके घर आया है दूर से, तो आप उसको बोल रहे हैं या बता रहे हैं कि अच्छा हुआ कि आप समय से आ गए, आज बारिश हो सकती थी। ओके, तो वो स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी भी है, और क्या हुआ,
कि वो पास्ट भी हो चुका है, यानी कि समय जो है वो गुजर चुका है। तो ऐसी कंडीशन में हम माइट का यूज़ करेंगे। इट्स गुड दैट यू हैड अराइव्ड बाय टाइम, इट माइट रेन टुडे। सो दीज आर सम यूजेस ऑफ मे एंड माइट एंड डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ देम। नाउ यू शुड डू वन थिंग, यू शुड गो थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, एंड दैट लिंक विल टेक यू टू अ क्विज ऑफ मे एंड माइट, uses of may and might. You should attempt that quiz and just check your knowledge, how much you have learned from this session. So meet you soon with my next session of modal auxiliary verb, in which I will explain you the uses and differences of must, ought to and should. Till then, goodbye, happy learning.